भारत और बांग्लादेश के बीच चेपॉक के मैदान पर खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन शुभमन गिल का भी शतक आ गया। आखिरकार 16 पारी में शुभमन गिल का यह दूसरा शतक है। इससे पहले जब गिल ने शतक लगाया था तो वो अहमदाबाद में आया था लगभग 4 से 5 महीने पहले। ये शुभमन गिल के लिए काफी अच्छा संकेत है कि वो फॉर्म में आ गए हैं। पहली पारी में 0 पर आउट होने वाले गिल ने ऋषभ पंत के साथ शतकीय साझेदारी निभाई। ऋषभ पंत ने भी शतक जड़ा। शुभमन गिल ने अब अपने टेस्ट करियर का 5वां शतक ठोक दिया है। बांग्लादेश के गेंदबाज पूरी तरह से पस्त नजर आए। भारतीय टीम की जो बढ़त है वो लगभग 490 के पार हो चुकी है। आपको बता दें कि पहले टेस्ट में भारतीय टीम पहले पारी में 376 बनाती है, बांग्लादेश 149 पर ऑल आउट हो जाती है। टीम इंडिया दूसरे दिन 83 रनों पर 3 विकेट गवा चुकी होती है। उसके बाद इस पारी को आगे बढ़ाती है, वहां से शुभमन गिल और ऋषभ पंत शतकीय साझेदारी निभाते हैं। ऋषभ पंत पहले अपना शतक पूरा करते हैं, फिर वो आउट हो जाते हैं, फिर शुभमन गिल अपना शतक पूरा करते हैं और केएल राहुल के साथ मिलकर टीम की पारी को और आगे लेकर जा रहे हैं। शुभमन गिल की अगर बात की जाए तो पहली पारी में वो 0 पर आउट हो गए थे और दूसरी पारी में उन्होंने शतक जड़ दिया है। शुभमन गिल के अगर टेस्ट करियर की बात की जाए तो 25 टेस्ट मुकाबलों में शुभमन गिल के 1492 रन हैं, 1500 रन के करीब वो खड़े हैं, जिसमें औसत जो है वो 36 के आसपास है और हाईएस्ट 128 रन अभी है। हो सकता है कि आज ये भी शुभमन गिल तोड़ दे। आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल की पारी कैसी लगी, आपको हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।